जब कभी आपके घर पे अचानक से गेस्ट आ जाए या फिर आप लास्ट मिनट लंच या डिनर प्लान कर रहे हो तो इस पनीर की सब्जी को जरूर कंसिडर करें। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी बनती है और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। आई लिटरली मीन इट, सिर्फ 5 मिनट में। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इंस्टेंट रेसिपी। ये है पनीर की सब्जी इन जस्ट 5 मिनट्स। और इसकी खास बात ये है कि ये है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, वो भी विदाउट अनियन एंड विदाउट गार्लिक। तो इसे जरूर ट्राई करें, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें और उसमें डालें 2 बड़े चम्मच देसी घी। इस सब्जी में बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले टेस्ट के लिए तेल का इस्तेमाल ना करें, या तो आप घी का इस्तेमाल करें और या तो 2 बड़े चम्मच बटर डालें। घी को अच्छे से गर्म हो जाने दें, फिर इसमें डालें 1 तेजपात का पत्ता, 1 इंच स्टिक दालचीनी की, 1 हरी इलायची। और क्योंकि ये है एक इंस्टेंट रेसिपी तो हम इसमें यूज करेंगे टमेटो प्यूरी, जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेट्रा पैक टमेटो प्यूरी का, यानी कि 100 ml। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें। अगर आपके पास टमेटो प्यूरी अवेलेबल ना हो तो आप 2 लाल टमाटरों को मिक्सी में पीस कर इसमें डाल सकते हैं। पर टमेटो प्यूरी यूज करने से ये रेसिपी इंस्टेंटली जल्दी बनेगी भी और इसमें रेस्टोरेंट वाली स्मूथ ग्रेवी भी आएगी। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें, 1 मिनट के लिए सौते करें और फिर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। इसमें डालें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक। अब मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर दें। इस ग्रेवी में जाता है घर में अवेलेबल बस कुछ बेसिक मसाले। इसमें कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स का हमने यूज नहीं करा है। तो बस इन मसालों को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करें ताकि इनका कच्चापन चला जाए और 1 मिनट के लिए सौते कर लें। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है और आप देख सकते हैं ग्रेवी काफी थिकन हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि ग्रेवी हमारी परफेक्टली कुक्ड है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम या ताजी मलाई। तो यहाँ पे मैं दूध की बिल्कुल ताजी मलाई 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। ताजी मलाई डालने से इस सब्जी का फ्लेवर इन्हांस होगा, जो आपकी ग्रेवी है वो बहुत ही रिच, थिक और क्रीमी बन जाएगी। इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लें और आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना ब्राइट ऑरेंज हो गया है। लग रही है ना ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसे लिड से कवर करके भी कुक कर सकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। ग्रेवी जल्दी रेडी हो जाएगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे दूध। इस रेसिपी में आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आप जितनी पतली अपनी ग्रेवी रखना चाहें उसी अकॉर्डिंगली दूध का इस्तेमाल करें। दूध से इस सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और रिचनेस आएगी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाए हम इसे सिमर करेंगे 2 मिनट के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवी में से घी रिलीज होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे पनीर। यहाँ पे मैं 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पनीर के क्यूब्स मैंने बड़े रखे हैं बिकॉज मुझे सब्जी में पनीर के क्यूब्स बड़े पसंद हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली क्यूब्स का साइज डिसाइड कर सकते हैं। इसे ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने पनीर के क्यूब्स को एज इज यूज किया है बिना फ्राई करे। फ्राई करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा और वो इतना हेल्दी भी नहीं है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। एंड कैन यू बिलीव इट, हमारी सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छे से मिक्स करें, 2 मिनट के लिए और सिमर करें और आप देख सकते हैं ऊपर घी रिलीज होने लगा है वापस से, यानी कि हमारी सब्जी बिल्कुल डन है। गैस की फ्लेम को बंद करें और आप यहाँ पे सब्जी की कंसिस्टेंसी देखिए। इसे मैंने सेमी थिक रखा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है ये सब्जी। कोई बिलीव नहीं करेगा कि इस ग्रेवी में ना ही हमने बटर, ना ही क्रीम, ना ही काजू का इस्तेमाल करा है और ये है बिना अनियन और बिना गार्लिक के। और यहाँ पे आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, बहुत ही रिच, थिक और क्रीमी ग्रेवी के साथ पनीर की सब्जी बस 5 मिनट में तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी या राइस के साथ, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आई होप आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।